हाथरस रेप इंसिडेंट के बाद से सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे बहुत सारे फेक खबरों को चलाया जा रहा है, जहां पर अनरिलेटेड फोटोज को कांग्रेस रूल स्टेट में रेप की घटना बताई जा रही है। ऐसे ही एक फर्जी खबर को कल हमने फैक्ट चेक किया था और आज हम ऐसे ही कुछ तस्वीरों की पड़ताल करेंगे। कुछ तस्वीरों को यह कहकर सर्कुलेट किया जा रहा है कि यह कांग्रेस रूल स्टेट पंजाब से है, जहाँ पर एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई, और ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस इस पे चुप्पे से आई हुई है। हेलो एवरीवन, दिस इज भरत नायक फ्रॉम द लॉजिकल इंडियन फैक्ट चेकिंग टीम, और आज हम इन तस्वीरों की पड़ताल करेंगे। एक ट्वीट जहां पर महिला अधिकारी की तस्वीर को शेयर किया गया है, उसके कैप्शन में ये लिखा गया है कि पंजाब में एक महिला पुलिस की हत्या पर राहुल और प्रियंका के मुँह में दही जम गई, कब जा रहे हो दोनों भाई बहन, इंसानियत के दुश्मन हो तुम लोग, बस और कुछ नहीं। अब जानते हैं तस्वीरों की सच्चाई। जो तस्वीरें सर्कुलेट की जा रही है उनमें से एक तस्वीर में महिला अधिकारी की फोटो आईडी है, जहाँ से उसका नाम नोमी पता चलता है और पिता का नाम सलीम मसीह। जब हमने जो आईडी में इंफॉर्मेशन है उसे लेकर कीवर्ड सर्च किया तो हमें द ट्रिब्यून का 1 अक्टूबर 2020 का खबर मिला, जहाँ से हमें पता चला कि नोमी नाम की महिला कांस्टेबल जो कि मिसलेनियस स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट में तैनात थी, उसके तड़के सुबह संगतपुरा गाँव के पास एक तेज़ रफ्तार एसयूवी से टकरा कर मौत हो गई। वो उस समय स्कूटी चला रही थी। तो हम इन कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो फोटोज़ को सर्कुलेट किया जा रहा है उसका रेप से कोई भी लेना देना नहीं है और वो रोड एक्सीडेंट की घटना है। अगर आपको इस तरह का कोई भी खबर मिलता है तो आप द लॉजिकल इंडियन के व्हाट्सएप फैक्ट चेक नंबर 6364003443 में भेज सकते हैं। धन्यवाद।